Hi guys, today I'll be showing you how to remove the clutch assembly, this one. And before we remove it, हम लोग को ऑयल निकालना है, उसके बाद ये 8 नंबर्स के स्क्रू निकालना है. We have already drained up the oil. तो फिर अभी हम लोग इसका बोल्ट निकालेंगे, उसके बाद सारे स्क्रूज जो हैं वो एक 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 करके लूज करेंगे हम लोग. उसके बाद क्लच केबल निकाल के उसके बाद हम लोग पुल आउट करेंगे. जब भी आप निकाल रहे हो उसका स्क्रूस आप चेक करना है, एक एक इसका अलग अलग स्क्रू रहता है, एक का छोटा रहेगा एक का बड़ा रहेगा, वो आपको ध्यान में रखना है. जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रूस ऊपर के जो तीन हैं वो छोटे हैं, उसके बाद बड़े हैं. सो अभी हम लोग पूरे स्क्रूज निकाल दिए, किकर भी निकाल दिए, उसका पूरा बोल्ट निकालने के बाद ही किकर निकलता है. बोल्ट लूज करने के बाद, पूरे बोल्ट लूज होने के बाद आपको दो लॉक हैं, ये एक लॉक और इधर पे इधर अंदर एक लॉक, उधर से आपको ऐसे रख के पुल करना है तभी खुलेगा. ये आपका इंजन ऑयल फिल्टर है, इसको आप पेट्रोल से क्लीन करके फिर वापस डाल सकते हो. इसमें आपको बहुत सारे जगह हैं जिधर आपका जो डस्ट वगैरह रहता है वो जगह पहुंचता है, एक इसमें और ये इधर. ये आप 10,000 या 10,000 किलोमीटर में एक बार निकाल के क्लीन कर सकते हो, मगर जब भी आप क्लीन करेंगे इसका पैकिंग बदलाना ही पड़ेगा. जो ये पैकिंग रहते हैं वो नया वाला डालना है.
इसका क्लच का जो पैकिंग आता है वो यूनिकॉर्न का भी बैठता है। आपको अगर से इनकेस इम्पल्स का नहीं मिल रहा है तो यूनिकॉर्न का भी बिठा सकते हो। बदलाना है क्या भी? ये निकालने के टाइम को आपको ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है। अगर से पैकिंग अच्छा है तो डाल भी सकते हैं, फिर रिस्क क्यों लेना, इसीलिए हम लोग नया डाल रहे हैं। कभी कभार पैकिंग अगर से बहुत पुराना हो गया है तो लीकेज शुरू हो जाता है, इसीलिए जब भी निकाल रहे हैं एक बार नया पैकिंग डालना है। पूरा लगा के होने के बाद अभी हम लोग फिटिंग करेंगे।
जैसे हम लोग ने स्क्रू काटे थे वैसे ही डालना है। ये मैंने पूरा जमाया हुआ है, तीन छोटे स्क्रू ऊपर के आते हैं। और सारे बड़े आए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग टाइट करेंगे। एक दो तीन छोटे आते हैं, बाकी के पूरे बड़े आएंगे। अल्टीमेट टाइट करना है, अगर लूज रहेगा तो किट करके आवाज आएगा, तभी फुल टाइट हुआ आएगा।
होते तो करोगे थोड़ी देर छोड़ेंगे हम लोग, तब तक ये गम भी सूख जाएगा। ऑलरेडी सूख गया है, थोड़ी देर छोड़ के डालेंगे ऑयल। टेन थर्टी ऑयल डाल रहे हैं हम लोग। हम थोड़ी देर ऑन रख के छोड़ेंगे ताकि कुछ ऑयल वगैरह लीकेज है तो चेक करने के लिए। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।